आज हम रिपेयर करने वाले हैं ये 24 वोल्ट की स्ट्रीट लाइट। तो जब भी आपके पास कोई भी स्ट्रीट लाइट आए तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो फर्स्ट हम लोगों को इसको प्लग इन करके चेक करना है कि ये चालू हो रही कि नहीं। सेकंड चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो LED लगी हुई है तो LED के अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ जो है डॉट पड़ जाते हैं, यानी उसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी स्ट्रीट लाइट का जो पैनल है LED वाला वो ख़राब हो चुका है। और यदि हम लोग इसकी LED चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, हर एक LED का एक फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, तो अभी फॉरवर्ड वोल्टेज इसका जो हम लोग नई डालेंगे उसका चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम लोग इसकी PCB और ड्राइवर दोनों ही चेंज कर दें। तो चलिए हम लोग इसको पहले खोल लेते हैं। के अंदर जो ड्राइवर लगा है फुल आर्म का लगा हुआ है, जो एक्चुअली इसका नहीं है, लेकिन इसको एक बार पहले भी रिपेयर कर चुके हैं और रिपेयर करने के लिए इसके अंदर एक फुल आर्म का ड्राइवर लगाया हुआ है। अब मैं जो बोल रहा था कि आपकी LED को देखने के लिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो इस LED के अंदर डॉट पड़ चुका है, इसके अंदर पड़ने वाला है, इसके अंदर जो ब्लैक कलर का डॉट है वो पड़ चुका है, तो यानी ये जो स्ट्रीट लाइट है हमारी उसकी जो PCB है वो ख़राब हो चुकी है। दूसरा इसका ड्राइवर, तो वो ड्राइवर भी हम लोग चेक कर लेंगे कि ड्राइवर चल रहा है कि नहीं, इसके जो PCB और ड्राइवर है उनको निकाल देंगे। तो इसके अंदर जो पेस्ट लगा है उसी पेस्ट को हम लोग यूज़ कर लेंगे, और जैसे आपको पेस्ट को पता है कि ये अभी गाढ़ा नहीं हुआ है तो हम लोग इसको दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं जो यूज़ करने वाला हूँ ये PCB ड्राइवर है इसका 24 वोल्ट का, और इसमें जो खास चीज़ है कि इसके अंदर मल्टीपल होल्स दिए हुए हैं, तो आपके पास जिस तरह की जो स्ट्रीट लाइट होगी उसके अंदर आपका ये जो PCB है होल टू होल मैच हो जाएगा। तो इस PCB की खास चीज़ यही है कि इसके अंदर मल्टीपल होल्स दिए हुए और ये 24 वोल्ट की है। ये वाली PCB थोड़ी बैठ नहीं रही है क्योंकि इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा है, तो कोई नहीं, यहाँ से हम लोग सैंड पेपर से थोड़ा घस देंगे तो हमारी PCB इसके अंदर इजीली बैठ। तो मैंने यहाँ एक गलती कर दी, मैंने चेक करने से पहले इस पर हीट सिंक पेस्ट लगा दिया, तो एक काम करते हैं हम लोग ये हीट सिंक पेस्ट को वापस इसके ऊपर लगा कर इसको थोड़ा सा, यदि आपके पास ग्राइंडर हो तो ग्राइंडर से घस लीजिए, और घसते समय ये ध्यान रखना है कि इसके ट्रैक जो है वो कट ना जाए, नहीं तो फिर ये PCB काम की नहीं रहेगी। तो हम लोग पहले इधर रख देते हैं और सैंड पेपर के थ्रू इधर साइड के एजेस से थोड़े घस देते हैं। तो घसते समय देखिए यहाँ ऑलरेडी इतना गैप पड़ जाता है, यहाँ हमारे पास जो इसके PCB के ट्रेसेस है वो बहुत दूर है, तो इसको इजीली हम लोग घस सकते हैं। फाइनली हमारे इस साइज़ के हिसाब से हमारी जो PCB है घसने के बाद बैठ गई है, अंदर इसके फिर ऊपर लिक्विड जो है वो लगा देंगे।
तो इस तरह के छोटे मोटे एडजस्टमेंट हमको इसके साथ करने पड़ते हैं रिपेयरिंग के अंदर। इसके जो है टाइट कर देंगे। स्क्रू को इस तरह से टाइट करना है कि ये किसी भी इसके हाउसिंग के साथ चिपक जाए, तो ही वो इसका जो हीट है वो ट्रांसफ़र करेगी, नहीं तो फिर वापस आपकी जो पीसीबी है टूट जाएगी। ओके, ग्लैंड में से जो है वायर निकल गया है, तो हम लोग इसको वापस खोल के फिर ग्लैंड में इसका वायर डाल देंगे। ये लूज़ होगा इसकी वजह से निकल गया। तो आप चीज़ देख सकते हो, इसके अंदर एक रबड़ आता है जो इस वायर को टाइट करके रखता है, जो कि इसके अंदर है नहीं। कोई नहीं, इसको फिर से हम लोग इसी तरह से हटा देंगे।